नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को कैराना बाईपास पर रोडवेज बस की टक्कर से बुलेट सवार तीन युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया। तीन युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सरकारी अस्पताल में मृतकों के परिजनों व पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल कैराना के मोहल्ला इकरामपुरा निवासी आसिफ पुत्र रफीक, आसिफ पुत्र शाहिद और खुरगान रोड निवासी सारिक सोमवार को बुलेट बाइक पर सवार होकर कैराना बाईपास की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे बाईपास पर पहुंचे, तभी कैराना से होकर बाईपास पर पहुंची रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपित बस चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना तुरंत कैराना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से तीनों युवकों को सरकारी अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की सूचना मृतकों के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर घायलों को देरी से लाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और मृतकों के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। परिजनों ने आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही सीओ कैराना अमरदीप मौर्य, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझा कर शांत करते हुए बस चालक की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। बाद में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दिनांक 24/6/2024 को थाना कैराना के अंतर्गत पानीपत मार्ग से शामली बाईपास के पास जो है एक हादसा हुआ है। इसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल जो कैराना की थी और एक रोडवेज जो है हरियाणा की थी, उसमें एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में तीन लड़के थे, एक का नाम सारिक था और दो के नाम आसिफ थे। ये तीनों जो है कैराना के रहने वाले थे। इन्हें तुरंत जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सीएससी कैराना लाया गया। घटनास्थल का उच्च अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत जो है परिवारजनों की तरफ से तहरीर ली जा रही है और इनका नियमानुसार पंचायतनामा भरा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।